दुनिया भर में अरबों लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करना पसंद करते हैं। कई लोग कॉफी को सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं तो कुछ लोग चाय को सेहतमंद मानते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या चाय या कॉफी पीना सेहत के लिए फायदेमंद है? इस लेकर अक्सर बहस होती रहती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस सवाल का जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। पूरी दुनिया में चाय और कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके साथ ही इन दोनों ड्रिंक्स का सेवन दुनिया के हर कोने में बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहीं भारत में भी करोड़ों लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी की चुस्की के साथ करना पसंद करते हैं। आपको बता दें, इन दोनों ड्रिंक्स में कैफीन समेत कई तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कई शोधों में भी इन दोनों ड्रिंक्स के फायदे सामने आए हैं। वहीं चाय प्रेमियों का मानना है कि चाय स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद है, जबकि कॉफ़ी प्रेमी अपनी पसंदीदा पेय को स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद मानते हैं। इसे लेकर भी अक्सर बहस होती रहती है और लोग अपने पसंदीदा ड्रिंक को अच्छा मानते हैं। अगर आप भी इस सवाल को लेकर असमंजस में हैं तो आपको दुनिया के सबसे कठिन सवाल का जवाब ज़रूर जानना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कॉफ़ी में अधिक मात्रा में फाइबर होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि कॉफ़ी में प्रति कप 1.1 से 1.8 ग्राम फाइबर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉफ़ी में संतरे के जूस से भी ज़्यादा फाइबर होता है। तो वहीं दूसरी ओर चाय में आमतौर पर फाइबर नहीं होता है। ऐसे में कॉफ़ी को फाइबर के स्रोत के रूप में बेहतर माना जा सकता है। इसके साथ ही कॉफ़ी और चाय दोनों में ही कैफीन होता है। एक कप कॉफ़ी में लगभग 100 मिलीग्राम कैफीन होता है, जबकि एक कप चाय में लगभग 50 मिलीग्राम कैफीन होता है। आपको बता दें, कैफीन आपकी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। साथ ही कम मात्रा में कैफीन का सेवन कई मानसिक समस्याओं से बचाता है। आपको बता दें, कैफीन का अधिक सेवन भी हानिकारक होता है। इस मामले में चाय बेहतर है। एक अध्ययन के मुताबिक कॉफ़ी और चाय दोनों ही दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। इनके सेवन से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि कॉफ़ी और चाय के एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनोलेस हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। वहीं दिल की सेहत के नज़रिए से देखा जाए तो चाय और कॉफ़ी दोनों ही फायदेमंद माने जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कॉफ़ी को फाइबर माइक्रोबायोम स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है और ये मधुमेह और कैंसर के खतरे को भी कम कर सकता है। वहीं चाय ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। दोनों ही दिल की सेहत और लंबी उम्र के लिहाज से फ़ायदेमंद है। कुल मिलाकर कॉफ़ी को सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, लेकिन चाय के बारे में अभी और शोध की ज़रूरत है। तो ये थी सेहत से जुड़ी एक और ख़ास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे चाय और कॉफ़ी में क्या और कितनी मात्रा में आपकी सेहत के लिए लाभदायक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।